बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल लर्न विद सर निसार अमन टेस्ट प्रिपरेशन। टुडे वी आर हेयर विद एन न्यू लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे गेस पेपर 2, इसका नाम है, और इसमें हम इंग्लिश पोर्शन जो एमसीक्यूस बेस्ड जो अपकमिंग जो सिंध टेस्टिंग सर्विस यानी आईबीए की तरफ से जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसमें जो वोकेबलरी के 5 से 10 क्वेश्चंस होंगे सिना नंबर इंटरनम्स को, आज हम सेम मीनिंग वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। और ये वर्ड्स आपको हर टेस्ट में किसी भी टेस्टिंग सर्विस का हो, इवन आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई इम्तिहान दे रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग दे रहे हैं, आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को कोई स्क्रीनिंग दे रहे हैं, ये वर्ड्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप इसको गौर से देखें। चलते हैं अपने वर्ड्स के ऊपर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब का लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर क्वालिटी वीडियो हम आपके तक बआसानी पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 1 है सिनोनिम्स और मीनिंग के। अपब्रेड, इसकी मीनिंग क्या है? ए है प्रेस, बी है एंग्री, और सी है बिसीज, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अपब्रेड मतलब किसी को डांटना होता है, बिसीज मतलब किसी पे इल्तजा। तो डी ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है अरबेन। अरबेन की मीनिंग क्या है? फिल्दी है ए, बी कल्चरल, सी मार्की, और डी नन ऑफ दीज। फिल्दी मतलब ख़राब, कल्चरल मतलब तहजीब वाला। करेक्ट ऑप्शन है अरबेन का बी कल्चरल, और मार्की मतलब है कि नॉट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है मेलिवोलेंट। उसका ए ऑप्शन काइंड, बी है अनकाइंड, और सी है मीनिंगफुल, और डी है नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 का बी अनकाइंड। 4, क्वेश्चन नंबर 4 एगॉग। एगॉग की मीनिंग ए है ईगर, बी है जीनियल, और सी है ग्रेगोरियस, और डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ईगर। एगॉग का ईगर। 5, न्यूमिस्मेटिक। इसका ए हुआ स्टडी ऑफ कॉइन्स, स्टडी ऑफ कार्ड्स, सी स्टडी ऑफ पेपर्स, डी इज नन ऑफ दीज। 5 का करेक्ट ऑप्शन है ए, स्टडी ऑफ क्वाइंस। 6, क्वेश्चन नंबर 6 है मर्की। व्हाट्स मीनिंग ऑफ मर्की? ए है डिम, बी है शाइन, सी इज ट्रांसपेरेंट, और डी है नन ऑफ दीज। मर्की मीन्स नॉट क्लियर, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, डिम। क्वेश्चन नंबर 7 पसिलेमेनियस। क्वेश्चन ए है हमारा फियरफुल, बी स्ट्रेंज, सी वैड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फियरफुल। क्वेश्चन नंबर 8 है बल्की। ए है लाइट वेट, बी है हैवी वेट, सी है फोर्स, डी है नन ऑफ दिस। तो बल्की का क्या होगा? बल्की का सिनोनिम होगा बी, हैवी वेट। क्वेश्चन नंबर 8 फियरलेस। फियरलेस की मीनिंग क्या है? ए टिमिडनेस, बी बोल्ड, डी लेथार्जिक, डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 प्लैंडरिंग। मीनिंग ऑफ प्लैंडरिंग ए ransacking, B protecting, C safeguarding, D none of these। plundering मतलब लूटना, A है ransacking मतलब लूटना। क्वेश्चन नंबर 10 इंटरनम, यानी इंटरनम वर्ड की मीनिंग क्या है? A है इंटरनम अपोजिट वर्ड मीनिंग है, सेम मीनिंग है, मीनिंग विदाउट डाउट। इंटरनम की करेक्ट मीनिंग है अपोजिट मीनिंग, यानी अपोजिट और इंटरनम सेम। क्वेश्चन नंबर 11 नोशन। नोशन की मीनिंग क्या है? नोशन A क्ल्यू, B ओपेक, C assassination, D none of these। नोशन का सिनोनिम क्ल्यू, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इंट्रिकेट। ए कॉम्प्लेक्स, बी इजी, सी अनकैनी, डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए, कॉम्प्लेक्स, मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन नंबर 13 सुपरफिशियल, इसकी मीनिंग क्या होगी? कर्सरी, बी डीपली, सी थॉरली, और डी है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन होगा 13 का ए, कर्सरी। कर्सरी भी मतलब सुपरफिशियल। क्वेश्चन नंबर 14 इनोवेट। ए स्ट्रांग, बी वीक, सी प्लेजेंट, डी है नन ऑफ दीज। इनोवेट की मीनिंग होगी बी वीक, कमजोर। स्वेलिंग ए डिक्रीजिंग, इन बी इंक्रीजिंग, सी स्टैटिक। स्वेलिंग का मीनिंग होगा इंक्रीजिंग, बढ़ता है। साम्बियासिस की मीनिंग होगी रिलेशनशिप, बी डिट्रीमेंटल, और सी है बेनिफिशियल, डी है नन ऑफ दीज। साम्बियासिस की मीनिंग करेक्ट ऑप्शन ए, रिलेशनशिप। 7 लायबल की मीनिंग, लायबल ए डिफेमेशन, बी स्लैंडर, सी बोथ, ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी।
सी करप्शन है, डिफेमेशन भी उसको कहते हैं, एड इन जेनियल, ए प्लेजेंट, बी अनप्लेजेंट, सी वोकेशन, डी नन ऑफ दीज। जेनियल की करप्शन होगा ए, ए करप्शन है प्लेजेंट। 19 ग्रूसम, उसकी करेक्ट मीनिंग होगी ए हॉरिबल, बी है ऑनररी हार्मनी, सी है 19 ग्रूसम की करेक्ट मीनिंग है ए हॉरिबल। क्वेश्चन नंबर 20 है सिनर्जी, मीनिंग क्या है सिम्बियोसिस, बी प्रीलूड और सी है कॉन्वेवियल, डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20 सिनर्जी का सिनोनिम होगा ए सिम्बियोसिस। ठीक है जी, ये थे आज के 20 वोकेबलरी 20 वर्ड्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी समझूंगा, ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी अगर मैंने आपके साथ अभी 20 मैंने एमसीक्यू शेयर किए, इट्स मीन द 3 तो उसके ऑप्शन ही, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ये 90 वर्ड्स बनते हैं। ये 90 वर्ड्स हैं, मतलब आप सिर्फ मेन वर्ड को सिर्फ ना लें, आप 90 वर्ड्स आज आपने सीख लिए। अगर एक वीडियो को आप प्रॉपर स्टडी करें, दिल लगा के 90 वर्ड्स की मीनिंग अगर आप निकाल लें, तो मैं अश्योर करता हूँ, मुझे यकीन है कि आपके लिए टेस्ट कोई मसला ही नहीं है इंशाल्लाह। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।